प्रहलाद जी कह रहे थे वो तो ऐसे ही कह दिया, जिला बनेगा थोड़ी। कमलनाथ जी, हम इसी धरती में पैदा हुए हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। कमलनाथ कहते हैं कि मैं नारियल फोड़ देता हूं हर कहीं। हाँ, नारियल फोड़ा, आज मैंने जिले का नारियल फोड़ दिया, हनुमान लोक का नारियल फोड़ दिया, और जितने नारियल कहोगे उतने फोड़ूंगा। मेरे पास विकास के लिए पैसे की कमी नहीं है। कमलनाथ जी जैसा रोता फोड़ूंगा। जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो यही कहते रहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। आप बताओ, जो मुख्यमंत्री ये कहे मेरे पास पैसा नहीं है, वो मुख्यमंत्री काम का है क्या? जोर से बताओ, काम का है क्या? और मैं कह रहा हूं आपके सामने, आपके आशीर्वाद से जनता की भलाई और जनता के कल्याण के लिए मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। पांडुर्णा जिला भी बनाए, पुराने कलेक्टर भी यहां है और राजा मनोज, ये तो सरकारी कार्यक्रम है भाई, और नए कलेक्टर भी आ जाओ, ये आ जाए, पहले कलेक्टर है और एसपी भी आ जाओ। कमलनाथ जी ऐसे ही छूछा छूछा नहीं आया, कलेक्टर और एसपी को लेके आज बिठा के जिला शुरू करने आया। और अब जल्दी जगह देख लो भैया, जिले की कलेक्ट्रेट का भवन का बनाना है, शानदार और सुंदर भवन बनाया जाएगा, उसके लिए भी पैसा स्वीकृत कर रहा हूं, अच्छी कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग बनेगी। और कमलनाथ जी, आपने कामठी जलाशय से पांडुर्णा को पानी नहीं पीने दिया, अब वो पानी की योजना भी जल्दी पूरी करेंगे। उनने पांडुर्णा के साथ न्याय नहीं किया, सौसर के साथ न्याय नहीं किया, लेकिन जितना अन्याय कमलनाथ जी ने किया ब्याज सहित आपकी सेवा करके, उस अन्याय को समाप्त शिवराज सिंह चौहान करेगा। मेरी बहनों और भाइयों, कल ही कार्यक्रम बना, जल्दी जल्दी में हुआ, क्योंकि मुझे आचार संहिता के पहले जिला बनाना था, लेकिन इसके बाद भी आप इतनी बड़ी संख्या में आए। मेरा काम, मेरा मिशन अपनी जनता की सेवा है, जनता की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है, भगवान की पूजा। और इतनी बड़ी संख्या में मेरी बहनें बैठी है। मेरी बहनों, मैंने लाडली बहना योजना बनाई, बताओ कैसी है योजना? लाडली बहना जरा हाथ उठा दो साहब, बताओ इसके पहले बहनों के खाते में कोई ने पैसा डाला क्या? मैंने बहनों से पूछा कि लाडली बहना योजना बना के तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव आया क्या? आया क्या मेरी बहनों? मेरी एक बहन कहने लगी, भैया बड़ा परिवर्तन आया। मैंने कहा क्या आया? बोले अब तो घर में सास बड़े प्यार से बोलती है, बहू कैसी हो। एक बहन ने कहा कि अब तो हमारे मिस्टर भी बहुत अच्छे से बोलते हैं, पप्पू की मम्मी पैसा आ गए कि नहीं आए? ये कहते हैं झूठी घोषणा करता है शिवराज। एक एक वचन मैंने निभाया। और सुन लो मेरी बहनों, पहले 1000 दिए, अब 1250 दे रहा हूं, और जैसे ही पैसे का इंतजाम हो जाएगा तो 1500 दूंगा, फिर 1750 दूंगा, फिर 2000 दूंगा, फिर 2250 दूंगा, फिर 2500 दूंगा, फिर 2750 दूंगा, और बाद में कितने दूंगा? जोर से बोलो, जलने वाले जला करें, मैं तो दूंगा, क्योंकि मुझे जिंदगी बदलना है बहनों की। आंखों में आंसू नहीं रहने देना है,
चेहरे पर मुस्कुराहट लाना है, इसलिए मामा मुख्यमंत्री है। और मैं सरकार थोड़ी चलाता हूं, मैं तो परिवार चलाता हूं। परिवार, आप सब मेरा परिवार है। बताओ मैं भैया हूं कि नहीं, मामा हूं कि नहीं? मेरा सौभाग्य मेरे बहनों और भाइयों, बेटे बेटियों, तुमने मुझे मामा के रूप में स्वीकार किया। और मैं भी तुम्हें वचन देता हूं कि जीऊंगा तो तुम्हारे लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी तुम्हारे लिए। मेरे बच्चों का भविष्य बेहतर बने, इसके लिए कई उपाय कर रहे हैं। पांचवी पास करके छठवीं में दूसरे गांव जाए तो साइकिल के 4,500 मैंने डाले। आठवीं पास करके नौवीं में जाए तो अभी 4,500 डाले। और बारहवीं में जो बच्चे अच्छे नंबर लेके आए, मामा ने उनको लैपटॉप दिलवाए। लैपटॉप कमलनाथ जी ने बंद कर दिए थे भांजे भांजियों के लैपटॉप। और जो बच्चे मेरे बारहवीं में अपने अपने स्कूल में पहले नंबर पे आए, एक बेटा एक बेटी, उनको मामा ने स्कूटी दिलाई। स्कूटी किसी ने कहा कि क्यों बांट रहे हो, मैं बता रहा हूं कि अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहन देना पड़ता है। जैसे मम्मी बच्चों को कोई बात मनवाने के लिए कहती ना, मान जा बेटा टॉफी दूंगी, चॉकलेट दूंगी, मामा भी कहता पढ़ लो बेटा बेटी, लैपटॉप दूंगा, स्कूटी दूंगा, ढंग से पढ़ लो, आगे बढ़ जाओ। तो इस बहाने मेरे बच्चे पढ़े और खूब आगे बढ़ते जाए, खूब आगे बढ़ते जाए। और मेरे बेटा बेटियों, मामा का ये संकल्प भी सुन लेना कि मेरे बेटा बेटियों का एडमिशन अपनी मेहनत से मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, आईआईटी आईआईएम कहीं भी होगा तो फीस चाहे कितनी भी हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 12-13 लाख रुपया होती है। बोलो गरीबों के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या, किसानों के दे सकते हैं क्या? तो उनकी वो फीस उनके माता पिता नहीं चुकाएंगे, कौन भरवाएगा? जोर से बोलो, सुन लो कमलनाथ जी, मामा भरवाएगा। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई पिछले दिन अमरवाड़ा में, एक डॉक्टर दंपत्ति की हत्या कर दी गई। मेरे पास ये दोनों बेटी आई थी, आयुषी डेहरिया, कनस्का डेहरिया, ये कह रही थी कि मामा अब हमारे परिवार में कोई नहीं बचा। मैं कह रहा हूं मामा बचा है, तुम्हें बेसहारा नहीं होने दूंगा। मामा के रहते हुए कोई बेटा बेटी बेसहारा नहीं हो सकते। इनके आगे की व्यवस्था हम देखें, क्योंकि सरकार परिवार की सरकार है। मेरे किसान भाइयों, अभी अभी कल ही मैंने खाते में किसानों के 2,000 रुपए डाले, अब 6,000 पीएम डालेंगे, 6,000 सीएम डालेंगे। पहले 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के, फिर 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के, फिर 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के, 1,000 रुपया महीना हर किसान को मिलेगा। और आगे गुंजाइश हुई तो मामा फिर देखेगा, चिंता की क्या बात है। समाज के हर वर्ग के कल्याण के काम, आज मेरे पास समय ज्यादा नहीं है क्योंकि मुझे आज मैहर को भी कलेक्टर और एसपी भाभी जाके बिठाना है, और इसलिए मैं एक ही निवेदन आपसे करता हूं। मेरे बहनों और भाइयों, जरा दिल से ईमानदारी से बताना, मैंने अच्छी सरकार चलाई कि बुरी सरकार चलाई? जोर से बताएं, तो फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना चाहिए कि नहीं? जनता का आशीर्वाद पांडुना में बहुत सालों से नहीं मिला है, इस बार मिलना चाहिए कि नहीं? तो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे, मोदी जी को आशीर्वाद देंगे, मामा को भी आशीर्वाद देंगे। तो मेरी आप सबसे अपील है, यहां आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। हम जो मुझे अभी बताया, संत जगनाड़े जी महाराज की भी भव्य प्रतिमा यहां लगाएंगे, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगी है। और आपने देखो, खैरी पैका से कुकड़ी, देखो मैं झूठ नहीं बोलता, अब कल परसों आचार संहिता लग गई तो चुनाव के पहले ये पूरी नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए आपने लेकिन कहा खैरी पैका कुकड़ी खाता,
तो अगली बार अपनी सरकार बनेगी जी, रोड बनाएंगे, कोई चिंता मत करो, बाकी मांगे भी पूरी करेंगे। आपका प्यार और आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। भगवान बिरसा मुंडा का भी जन्मदिन जनजाति गौरव दिवस के रूप में हम मनाते हैं, उनकी प्रतिमा भी लगाई जाएगी। आइए मेरे बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, प्रकाश विखे को आशीर्वाद दीजिए, जो जज से यहां आपकी सेवा करने आए हैं, मोदी जी को और मामा को आशीर्वाद दीजिए, और जो अपना साथ दे बताओ उसका साथ देना चाहिए कि नहीं। तो आइए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के मामा का साथ देने का हम संकल्प लें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पांडुना वालों एक बार फिर जिले के लिए बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। खमसे जी ने एक छोटी सी बात कही है, कोर्ट की लाइब्रेरी के लिए 5 लाख रुपया, वो तो अभी दे दूंगा, आप चिंता मत करो। अरे हम ऐसा थोड़ी कहेंगे कि पैसा नहीं है, खूब पैसा है हमारे पास, चिंता मत करो।